नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए कह रही हूँ कुछ हाथों के खास स्टेप। हाथों के जो बेसिक स्टेप है, सबसे खास आपको आने बहुत जरूरी है। हाथों को किस तरह से चलाना है, किस तरह से रखना है और किस तरह से हमने हाथों को धीरे धीरे करके लेफ्ट और राइट लेकर जाना है, ये भी आपने अच्छे से देखना है। मेरे चैनल पे आप जुड़े हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए। जो नए नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा वीडियो। तो जितना वीडियो को देखेंगे लगातार, तो आप घर बैठे फ्री में डांस के स्टेप सीखिए। और जिनको नहीं भी आता वो भी फटाफट खड़े हो जाइए और मेरे साथ डांस के स्टेप बनाना शुरू करें। अब थोड़ा सा स्टेप भी कर लेंगे, सबको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप। पहले आप जान लीजिए हाथों को कैसे चलाना है। मैं हर वीडियो में आपको बार बार बताती हूँ, जब भी आप डांस का स्टेप करें हाथ आपको सीधे ही रखने हैं, ठीक है। और आपको हाथ को खोलने वाले स्टेप भी सिखाऊंगी, पहले आप सीधे वाले स्टेप सीख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, हमने अब कोई पैर नहीं चला, अपनी जगह खड़े होके अपने हाथ को स्टेप सिलाएंगे। जैसे हम स्टेप सिलाएंगे हाथों के, तो एक पैर को हम उठाएंगे जरूर, ठीक है। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, नोटिस कर लीजिए, हाथों को हमने लेफ्ट राइट लेके जाना है। ध्यान से देखिए, इस तरह से हाथों को सीधा रखा। अब मैं राइट साइड से हाथ लेके जाऊंगी, देखो 1 2 3 4 इतना करना आपने। जैसे करेंगे हाथ को इस तरह से कर लेंगे, खोल लेंगे ऐसे, जितना खोल लेंगे उतना सुंदर लेंगे। देखो ध्यान से देखो, यहां से शुरू करा हमने 1 2 3 4 1 2 3 4, बस इतना हमने डिस्टेंस रखना है। एक हाथ यहां होगा और दूसरा हाथ यहां पे होगा, जहां पे आपकी चूड़ी होती है, ठीक है। ऐसे फिर से रिपीट करती हूँ 1 2 3 4। अब हम हल्का सा पैर उठा लेंगे, ऐसे डीपिंग कर लेंगे, जैसे आपको सिखाया था पहली वीडियो में। आपको पिछली वीडियो में डीपिंग का स्टेप सिखाया था ना, तो अपने पैर उठा के ये स्टेप बना, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है गाइस। ये था मेरा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हाथों को अच्छे से खोलेंगे, पहले ऐसे फिंगर के साथ खोल लीजिए और हमने झुक जाना, और इस तरह से हम हाथ लेके कमर से 1 2 3 4, देखो ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये देखो बहुत चलता है ये स्टेप, देखो वो भी म्यूजिक लगाएंगे आप ये स्टेप करें। देखो पहले मैं क्या करूं, लेफ्ट बाजू के साथ ऐसे करें, नीचे से लेकर ऊपर यहाँ थम के रख लिया, यहाँ आपने थम के हल्के से ऐसे स्टैंड करना है शोल्डर पर, ठीक है। अब मैं राइट वाले बाजू से ऐसे करूंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, आप ये स्टेप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे देखो हाथ सीधे रखे, यहां से नीचे गए ऐसे करके, फिर ऐसे रखिए, ठीक है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। बस इसमें हमने पैर को उठा लेना ऐसे, ठीक है, इतना हो गया क्लियर। ये था मेरा दूसरा स्टेप। अब चलिए हमारा जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्यूटीफुल स्टेप है ये भी। देखो अलग अलग तरीके से बता रही हूँ, इसको फॉलो कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ को अपने ऐसे रखना है, फिंगर ये तीन है खोल लेनी अच्छे से, और इस तरह से हमने थम से ऐसे गोली बना लेनी है, ठीक है। ऐसे तो हम हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे, ऊपर से नीचे तक राइट साइड में करेंगे ऐसे, देखो 1 2 3 4, पैर को उठाएंगे 1 2 3 4, ये बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से रखेंगे अगर हाथ, अगर आपको हाथ सीधे ही रखने हैं तो आप ऐसे कीजिए 1 2 3 4, ओके। जैसे आपको अच्छा लगे वो स्टेप बना लीजिए, कोई भी म्यूजिक चले आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, चाहे ऐसे कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो इस तरह से स्टेप बनाए। ये था मेरा तीसरा स्टेप। देखो अलग अलग तरीके से जो स्टेप बताता ना, बड़ा इंटरेस्ट लगता है सिखाने में भी, तो आपको भी अच्छा लगता है ना। तो इसी तरह से आप अगले स्टेप की तरफ तैयार हो जाइए फटाफट, वो भी सीख लीजिए। चौथा स्टेप,
चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथ करेंगे ऐसे, ठीक है, झटका देंगे राइट से, ये देखो राइट वाला इस तरह से करा, लेफ्ट वाला ऐसे करा, ठीक है, ये देखो पैर को उठा लेंगे बस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया आपको, ऐसे ऐसे करना बस। ये था मेरा चौथा स्टेप। अब देखिए हमारा जो पांचवा स्टेप है, जब हम किसी के सामने डांस परफॉर्मेंस करते हैं ना, तो कोई ऐसा सॉन्ग चल जाता है मतलब कि इशारा देने वाला है ना, तो हमने हाथ को जिस तरह से इशारा करते हैं, जब हम हाथ से कोई इशारा करते हैं तो हमारे आई कॉन्टेक्ट भी हाथ की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे करना है हमने हाथ, अगर हाथ को खोलेंगे और भी सुंदर लगेगा, एक हाथ कमर पे रख लेंगे और ऐसे करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, पैर को उठा के ऐसे स्टेप करो, 1 2 3 4, ठीक है, आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हो सीधे करके ऐसे, ठीक है। तो ये था मेरा, तो देखो ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है गाइस, ये था मेरा पांचवा स्टेप। अब पांचवा स्टेप अच्छे से क्लियर हो गया, अब आज आप पांच स्टेप ही सीखिए, ठीक है, पांचों स्टेप को अपने खूब सारे प्रैक्टिस करनी है, हाथों को सीधा रखना है, उंगलियों को खोलने की कोशिश करना है, बस इसमें कोई हमने नाचना नहीं है, बस पैर को ही हल्का सा उठाना, ना ही कोई हमने ठुमका लगाना है, राइट। तो आप अगर आपको ये स्टेप बहुत पसंद आया है, हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, हम अगली वीडियो में हाथों के स्टेप और बना देंगे। मेरे को हाथों के स्टेप बहुत सारे आते हैं, मैं आपको सिखाती रहूंगी, आप मेरे को वॉच करते जाइए और मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े हैं, ठीक है गैस। देखो गैस, कोई भी म्यूजिक लगा सकते हो आप, जो भी आपको मन पसंद हो, जो मैं म्यूजिक लगाती हूँ वही आप म्यूजिक पे स्टेप बनाइए। मैं आपको बता दूं, डांस करने में आपका इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए, अपने मन को इंटरेस्ट बना लीजिए, मन को पक्का कर लीजिए। काफी सारी हाउस वाइफ मैंने बोलती है कि मैम हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता डांस करने के। देखो आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप एक आप आज से ही आप टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए, जितने बजे उठते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उसके बाद वीडियोस बना सकती हो, एक घंटा ले सी जरूर आप आधा घंटा दीजिए अपनी बॉडी को, अगर आधा घंटा भी देंगे ना तो आप डांस के स्टेप बहुत अच्छे सीख लेंगे। चलिए फिर आज का मेरा इतना ट्यूटोरियल, अगली वीडियो में आपने खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है गाइस। तो पहले आप अभी हम थोड़ा म्यूजिक पे करके बता देते हैं, ठीक है, आप 3 महीने 6 महीने खूब सारे प्रैक्टिस करिए, देखो खुद ही खुद आपको रिजल्ट आने लग जाएगा, और खुद ही वीडियो बनाकर अपने आप को फॉलो करें कि मेरे डांस के स्टेप्स कैसे लें, ठीक है गाइस। तो आपको अपनी गलतियां नजर खुद ही आने लग जाएगी, तो आप अपने बच्चों के साथ थोड़े थोड़े करके जरूर स्टेप बनाएं। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में हम आपके लिए और वीडियो बढ़िया तरीके से लाएंगे, कुछ कमर के स्टेप भी लाएंगे और दुपट्टे वाले स्टेप्स भी लाएंगे, भंगड़े वाले जो भी हिंदी सॉन्ग होंगे और भी लाएंगे, ठीक है। Thank you so much. Bye-bye.